मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। राहुल को निचली अदालत से इस मामले में 2 साल की सजा मिली थी। गुजरात की हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा था, लेकिन 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अंतिम फैसला आने तक राहुल की सजा पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में नया जोश आता दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक, कमलनाथ से लेकर तमाम अन्य बड़े नेताओं तक, कार्यकर्ताओं तक, सभी ने राहुल के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। साथ ही अब कांग्रेस की उम्मीद भी जिंदा हो गई है कि राहुल गांधी जल्द ही लोकसभा में वापसी करेंगे, क्योंकि उनकी संसद सदस्यता ये फैसला आने के बाद रद्द हो गई थी। इस बीच 4 अगस्त की रात को ही राहुल गांधी दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। जैसे ही लालू प्रसाद से मिलने राहुल गांधी पहुंचे, तमाम कयासों को बल मिलने लगा। दिल्ली की उमस भरी गर्मी में शाम को ही बारिश ने राहत लाई तो राहुल गांधी लालू यादव के साथ डिनर करने उनकी सांसद बेटी मीसा भारती के आवास पहुंच गए। यहां पर बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लालू और राहुल गांधी के इस डिनर को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि 26 दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया की मुंबई में 25 और 26 अगस्त को मीटिंग होने वाली है। अब तक इसके संयोजक का नाम तय नहीं है। बिना राहुल की सहमति के ये तय होना भी नहीं है। इस पद के प्रबल दावेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माने जाते हैं, मगर एनडीए वाला उनका बैकग्राउंड आड़े आ रहा है। माना जा रहा है कि राहुल को मनाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव को लगाया है। लालू राहुल की मुलाकात मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक से पहले हो रही है। मुंबई में 25-26 अगस्त को ये बैठक होनी है। पटना और बेंगलुरु के बाद ये तीसरी बैठक होगी। इसकी मेजबानी शिवसेना उद्धव गुट और NCP शरद गुट मिलकर करने वाले हैं। माना जा रहा है कि 4 अगस्त को राहुल गांधी जब रात में भारी बारिश के बीच मीसा भारती के बंगले पर लालू यादव से मिलने पहुंचे, साथ में डिनर करा, तो इस पूरी बातचीत का, मुलाकात का मुख्य एजेंडा इंडिया की अगली बैठक ही थी। विपक्षी गठबंधन को कैसे और धार दें, 2024 के लिए क्या योजना तैयार करें और आगे इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इन सारी बातों पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच लंबी चर्चा हुई, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दरअसल इन दिनों लालू यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री भी जमती दिख रही है। विपक्षी दलों की पहली बैठक में पटना पहुंचे राहुल गांधी और लालू यादव के बीच ही बातचीत काफी लोकप्रिय रही थी, जब लालू ने मंच से ही राहुल गांधी को जल्द शादी करने की सलाह भी दे डाली थी। इन सारी केमिस्ट्री की बात हो, विपक्ष की गठबंधन की 2 बैठकों और राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वो आनंद फानंद में लालू से मिलने पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पंडित्स के कान खड़े हो गए। साथ ही ये भी कयास लगने लगे कि आखिर राहुल और लालू यादव की इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है। एजेंडा कुछ भी रहा हो, लेकिन ये तय है कि इस बातचीत में इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।